हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम घर पे आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं बच्चों की फरमाइश पे। और ये जो है, देखिए कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम बनेगी, एकदम मार्केट के जैसी, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनने के तैयार होगी। फ्रेंड्स, आप लोग रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे हमने 2 कटोरी दूध ले लिया है फुल क्रीम, इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद दूध में जब उबाल आ गया तो हमने इसमें चीनी ऐड कर दिया है। चीनी ऐड करने के बाद भी हम 4 से 5 मिनट इसको बॉईल कर लेंगे अच्छे से। और जैसे ही हमारी चीनी घुल जाएगी, इधर हमने कटोरी में कस्टर्ड पाउडर ले रखा है और इसको जो है 2.5 टेबल स्पून लिया है। इसमें दूध डाल के हम अच्छे से घोल लेंगे और दूध हमारा उबल जाए तो उसमें हम डाल के इसको मिक्स कर देंगे। जैसे ही हम घोल को डालेंगे वैसे ही हमारा दूध थिक होना स्टार्ट हो गया। और देखिए थोड़ी ही देर में, 2-3 मिनट के अंतर ये अच्छे से थिकनेस इसमें आ गई है। हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे, गैस का फ्लेम लो कर लेंगे, लो मीडियम, और इसको 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही सिम पका लेंगे अच्छे से चलाते हुए। फिर हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको मिक्सी जार में डाल के इसका पेस्ट, स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। हम ये आइसक्रीम बिना क्रीम और बिना मशीन के हेल्प से बना रहे हैं, फिर भी ये बहुत टेस्टी बनेगी। कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स की कतरन और टूटी फ्रूटी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और एक प्लास्टिक का बॉक्स ले लिया है, उसमें हमने कुछ ड्राई फ्रूट और टूटी फूटी डाल के अब इसको रख देंगे, अच्छे से हिला के सेट कर देंगे। फिर इसको ऊपर से भी थोड़ा बहुत डाल देंगे डेकोरेट करने के लिए। उसके बाद हम इसको फ्रीजर में रख देंगे 10 से 12 घंटे के लिए। 10-12 घंटे हो गया है हमारा, ये देखिए आइसक्रीम बहुत अच्छे से जम गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बन के आया है और देखने में भी जितना प्यारा लग रहा है खाने में ही उतना टेस्टी है। तो आप लोग भी ये आइसक्रीम एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को घर पे बना के दीजिएगा। इसी के साथ थैंक